हेलो, किधर है बट्टोए? जल्दी बाहर आ। हाँ तो भाई, फिर क्या सीन चल रहे हैं 14 अगस्त के? 14 अगस्त के यार ये सीन है। तेरे भाई ने ना वूफर शूफर सेट करवा ली है, चेक कर। और फायरिंग शायरिंग का भी फुल सीन है। और तुम क्या कहता है भाई? बॉस, मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके चल यार, ठीक है, तेरी ड्यूटी से लगाते हैं फिर। ओके चले। मंदिरों में जाने के लिए आप सब आजाद है, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस मम्लिकत पाकिस्तान में आप कतालुक किसी भी मजहब जात या। हाँ भाई, होगी आजादी की तैयारियां। अबू हम आजादी और कुर्बानी से वाकिफ भी हो, जानते हो हमारी माओ बहनों के साथ। वाजे तौर पर बयान किया था, सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। भाई पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। और उस दिन मेरी बहन की जिंदगी का सबसे अहम दिन था। पाकिस्तान बहुत खून बहा है बेटा। मैंने आजादी के लिए अपनी प्यारी माँ, मासूम बहनें और बहादुर बाप को खोया है। इनकी कुर्बानियों को कभी रायगा मत जाने देना। आज़ादी की तगोदो में ऐसी घड़ियां भी आईं जहां माँ बाप ने यह बेहतर समझा कि बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने हाथों से उनका गला घोंट दें। अम्मी,
अबाजी हिम्मत करें, वो पीछे आ रहे हैं। बस बेटा, मेरी मंजिल यहीं तक थी। अबाजी उठे, अबाजी हिम्मत करें। बेटा, हम तो सबर का भी फल मांगते हैं, तो क्या इस खून की कोई कीमत नहीं? हम अंग्रेजों की गुलामी, हिंदुओं की बर्बरियत और सिखों के मजालिम से तो पाकिस्तान को बचा के ले आए हैं, लेकिन अब हमने इन माजी की कुर्बानियों को याद रखते हुए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारना होगा।